नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों फाइनली जो है वो आपका फिर से यहाँ पे झारखंड ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस रिगार्डिंग नोटिस जो है वो आपका 28 मार्च 2023 यानी कि आज के दिन अभी शाम को जो वो रिलीज किया गया है। और ये इस ऑफिशियल जो नोटिस है इसे आप जो है वो ई कल्याण के ऑफिशियल साइट पर देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अब जो है वो आपका डेट कब तक एक्सटेंड किया गया है, कब तक स्टूडेंट जो है वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे जो पॉइंट है पहला वो है शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि आपका 10 अप्रैल तक कर दिया गया है, जो कि आज आपका कल जो है 26 तारीख तक लास्ट डेट था, उसे बढ़ा के आपका 10/4 तक कर दिया गया है। उसी तरह शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु छात्र छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की तिथि तो 20, ठीक है, पहले जो है आपका 10 अप्रैल तक किया गया था, लेकिन ये जो है वो आपका तीसरा इम्प्रूवमेंट है, तीसरा बार डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है और अब जो है वो इसे एक्सटेंड करके 20 अप्रैल तक कर दिया गया है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका संबंधित शैक्षणिक संस्थान के INO द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन की तिथि तो 29/4/2023 यानी कि 29 अप्रैल तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी जो है वो आपका एक कल्याण स्कॉलरशिप लगभग 4 से 5 महीने तक इसका पोर्टल जो है वो ओपन रहता है। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होगा अभी आपके पास बहुत समय मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको फिर से बता देते हैं कि जब ये डेट आएगा फिर से आपको एक दो बार जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अगर डॉक्यूमेंट्स आपका कंप्लीट नहीं है तो आप लोग जो है वो जल्दी से अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही करवा लीजिएगा। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं क्योंकि इतना जल्दी जो है अभी सभी कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ई कल्याण पोर्टल पर, बहुत सारे कॉलेज का स्टेटस जो यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये रीज़न आपका है। उसके अलावा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे कॉलेज का फॉर्म में जो है वो कोर्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे सभी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्रूव किया जा रहा है और आपको पता होगा कि इस बार जो है वो कल्याण का पोर्टल पिछले के तुलना में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गया है, ठीक है। नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, चाहे आप पहले कितना भी बार स्कॉलरशिप क्यों ना लिए हों आपको इस बार जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा फिर से, ठीक है। तो बहुत कुछ बदलाव किया गया है, तो सभी चीज़ें धीरे धीरे यहाँ पे सुधारी जा रही है, अपलोड की जा रही है। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप लोग जब आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो यही अपडेट देना था दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है हम आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं। तो आई होप कि आपको ये न्यूज़ जो है वो बेनिफिशियल लगा होगा, आपके लिए ज़रूरी होगा, इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आगे भी इसी तरह स्कॉलरशिप से रिलेटेड न्यूज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।